दोस्तों फोटोशॉप ट्यूटोरियल का ये हमारा पार्ट 6 वीडियो है। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको फोटोशॉप के टूल्स बार में ब्रश टूल और क्लोन स्टाम्प टूल को यूज करना सिखाऊंगा। दोस्तों मैंने फोटोशॉप ट्यूटोरियल का एक सीरीज हमने स्टार्ट किया है। दोस्तों अगर आप फोटोशॉप को शुरू से लास्ट तक सीखना चाहते हो तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट का लिंक पर क्लिक करके इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल का सीरीज वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि ब्रश टूल और क्लोन स्टाम्प टूल को कैसे यूज किया जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और रितेश बीएन के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों फोटोशॉप हमारा अभी ओपन हो गया है और इस वीडियो में हम सबसे पहले आपको ब्रश टूल और उसके बाद क्लोन स्टाम्प टूल को कैसे यूज करना है इसके बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर टूल्स बार में दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका एक ब्रश टूल है। ब्रश टूल के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे और इसके अंदर आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दो टूल दिखाई देंगे। इनमें से आपको एक ब्रश टूल दिखाई देंगे जो सबसे मेन और इम्पोर्टेंट है, और दूसरा है पेंसिल टूल। तो सबसे पहले जानते हैं दोस्तों कि ब्रश टूल का क्या यूज होता है और कैसे यूज होता है। सबसे पहले हम इस ब्रश टूल को सेलेक्ट कर लेता हूं। ब्रश टूल अभी हमारा सेलेक्ट हो चुका है, अब इसको हम यूज कैसे करेंगे। दोस्तों मैं एक न्यू पेज को ओपन कर लेता हूं। न्यू पेज लेने के लिए दोस्तों आपको फोटोशॉप के फाइल मेन्यू पर क्लिक करना है, उसके बाद न्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही न्यू वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, न्यू का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। सिंपली आपको यहाँ पे ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है तो आपका कोई भी पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम आपको स्टार्टिंग से बेसिक से सिखा रहा हूँ तो इसलिए आपको ये सब चीज़ें थोड़ा भूलना पड़ेगा। बस आपको जो फोकस करना है अभी सिर्फ ब्रश टूल को यूज करने के लिए फोकस करना है, इससे ज़्यादा आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है। इसको समझना थोड़ा कठिन है, थोड़ा धीरे धीरे सीखेंगे तो हम सब कुछ सीख जाएंगे। और उसके बाद जैसे ही मैंने ब्रश टूल लिया और रैंडमली हम इस पेज में इस प्रकार से चलाता हूँ तो देख सकते हैं कि ये ब्रश हमारा इस प्रकार से यूज हो रहा है, यानी कि ये एक कलर को सेलेक्ट कर रहा है। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे कि अब हम इसका असली यूज कैसे करना है, कैसे इसको अच्छे तरीके से यूज करना है ये हम जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले कि जब भी आप ब्रश को चलाते हैं तो ब्रश में यहाँ पर जो ये कलर है, ये कलर कहाँ से ले रहा है, ये आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों टूल्स बार में यहाँ पर देख सकते हो नीचे जो कलर पैनल है, इसको हम सेट फोरग्राउंड कलर कहते हैं। तो फोरग्राउंड जो कलर है इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे और यहाँ से आप कोई और कलर को सेलेक्ट कर लेंगे तो देख सकते हो कि अब मैं यहाँ पर दूसरा कलर को यूज कर पा रहा हूँ। वैसे ही अगर मैं इस कलर पैनल पर एक बार दोबारा क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं कोई और कलर को सेलेक्ट कर लेता हूँ तो अब आप देखेंगे कि कोई दूसरा कलर हमारा आ चुका है। तो अब आप ये समझ लीजिए दोस्तों कि अगर आपको ब्रश टूल को यूज करना है और आपको कोई कलर की ज़रूरत है या उसी कलर में आप ब्रश टूल चलाना चाहते हैं तो आपको सिंपल ये वाला जो सेट फोरग्राउंड कलर है इस कलर को चेंज कर लेना है और तब जाके आप अपना ब्रश टूल को चलाएंगे तो तब आप उसी कलर में अपना ब्रश टूल को यूज कर पाएंगे। चलिए दोस्तों अब मैं बताता हूँ कि ब्रश यहाँ पर आपको कितने प्रकार का मिल सकता है। जैसे ही आप इस ब्रश टूल को सेलेक्ट करेंगे तो ऊपर में आपको यहाँ पे ऑप्शन बार दिखाई देगा। इस ऑप्शन बार में इस ब्रश टूल से रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस है, जितने भी फंक्शन है, उन सभी फंक्शन और ऑप्शन को हम देखते हैं कि कैसे कैसे इसको हम यूज कर पाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो ब्रश का ऑप्शन दिख रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। छोटा सा यहाँ पर डाउन एरो यहाँ पे आपको बटन दिख रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो कि सबसे पहले आपको ऊपर में मास्टर डायमीटर मिल रहा है, तो इस डायमीटर की मदद से हम अपना ब्रश की जो साइज है वो बढ़ा सकते हैं। अभी अगर हम इसको और कम कर दूं देख सकते हो कि ब्रश का साइज कितना छोटा हो चुका है। और जैसे ही मैं एक बार फिर से क्लिक करूंगा और डायमीटर को इस प्रकार से मैं बढ़ा दूंगा तो आप देख सकते हो कि कितना ये बड़ा हो चुका है, यानी कि ब्रश को आप छोटा बड़ा करना सीख चुके हैं। दोस्तों थोड़ा सा और मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे नीचे में आपको ब्रश का अलग अलग साइज मिल जाएंगे, अलग अलग कैटेगरी मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे टाइप का ब्रश मिल रहा है, जैसे इस टाइप का ब्रश मैं यूज कर सकता हूँ। ठीक है, और मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पर ये वाला ब्रश हो गया तो कुछ इस प्रकार से हम इस टाइप का ब्रश को यूज कर सकता हूँ। उसके साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्टार वाला भी ब्रश आपको मिलेगा कुछ इस प्रकार से। थोड़ा और ब्रश को देख लेते हैं हम, देखने में बहुत ही ज़्यादा एट्रैक्टिव वाला सब ब्रश है इसलिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, ताकि आपको और भी समझ में आ चुके कि ब्रश कैसे कैसे हमारे फोटोशॉप में मौजूद होते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये जो आप देख सकते हो ये वाला जो ब्रश है ये थोड़ा सा फीडराइट वाला ये ब्रश है, सॉफ्ट ब्रश इसको बोला जाता है। यहाँ पर जो बीच वाला जो है ये एक आपका हार्ड ब्रश है और ये सब सॉफ्ट ब्रश है, और ये आपका डिजाइन ब्रश है। ये अलग अलग यहाँ पे आप टाइप का ब्रश को यूज कर पाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से आप अपना ब्रश की कैटेगरी को जान सकते हैं, यहाँ से आप ब्रश के अलग अलग टाइप को लेकर के यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आपको यहाँ पे ओपेसिटी का ऑप्शन मिल रहा है। तो यहाँ पर ओपेसिटी का मतलब ये होता है कि अगर मैं इस ओपेसिटी को कम कर दूं यानी 30% कर दूं, और उसके बाद अब मैं यहाँ पे जैसे ही चलाऊंगा देख सकते हो कि यहाँ पे कलर थोड़ा कम आ रहा है,
ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ से हम ओपेसिटी को जितना बढ़ाएंगे उस प्रकार से ही हम अपना ब्रश को यूज कर पाएंगे। तो दोस्तों ये था कुछ ब्रश टूल का यूज करने का तरीका, और ऊपर में आपको यहाँ पे मोड का ऑप्शन मिल रहा है। तो दोस्तों इस मोड का यूज हम तभी कर पाएंगे जब हम लेयर पैनल को अच्छे से सीख जाएंगे। तो आगे आप वीडियोज़ में देखेंगे कि जब हम लेयर पैनल के बारे में बताएंगे तब आपको इस मोड का जो ऑप्शन होता है वो हम आपको बताएंगे। ये मोड वाला जो ऑप्शन है बहुत ही कमाल का ऑप्शन है दोस्तों, तो इसको हम आगे चल के सीखेंगे। दोस्तों अब हम फोटोशॉप में आपको क्लोन स्टाम्प टूल और पैटर्न स्टाम्प टूल को यूज कैसे करेंगे और इसका क्या यूज है इसके बारे में अब हम आपको समझाते हैं। दोस्तों इसको यूज करने के लिए और समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक फोटो को ओपन कर लिया हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक फोटो है और यहाँ पर ये क्लोन स्टाम्प टूल को हम यूज करके आपको दिखाते हैं। क्लोन स्टाम्प टूल जो होता है दोस्तों वो इसका नाम से ही पता चल रहा है, क्लोन स्टाम्प, ठीक है। किसी भी जगह को स्टाम्प के तरीका से उसे कॉपी करता है, ठीक है। तो जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, जैसे कि ये बिंदी है इसे मैं उठा करके कहीं और जगह पे रखना चाहता हूँ तो वो मैं रख सकता हूँ, उठा के नहीं यहाँ पे रहेगा ही और उसके बावजूद भी ये दूसरे जगह पे ये चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि अल्ट दबाऊंगा, ठीक है, और इस बिंदी वाले जो जगह है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऊपर में थोड़ा और ऊपर में जा करके क्लिक कर देंगे। तो देख लीजिए कि ये जो आपका ये जो बिंदी था, ये बिंदी स्टाम्प के माध्यम से इसको उठा करके ऊपर की जगह पे हम पेस्ट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा एक बार फिर से मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, एक बार फिर से इस बिंदी पे मैं क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद कहीं पर मैं इसे क्लिक कर दूंगा तो आप देख सकते हो कि ये जो बिंदी है उसको हम उठा करके एज इट इज दूसरी जगह पे रख सकते हैं, एज ए स्टाम्प के तरह, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्लोन स्टाम्प टूल के अंदर जो यहाँ पे दूसरा स्टाम्प मिलता है वो मिलता है पैटर्न स्टाम्प टूल, यानी कि अगर आप पैटर्न को अगर आप स्टाम्प के माध्यम से यूज करना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे आपको डिजाइन मिलेंगे तो कुछ इस टाइप का आपको आपके पास अगर पैटर्न है, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे तो वही वाला एक स्टाम्प, जैसे कि आप स्टाम्प बनाए हुए रहते हैं और स्टाम्प में पहले से लिखा हुआ रहता है तो उसको क्या करते हैं जैसे इंक में लगा के कहीं पर भी रख देते हैं तो उसके अंदर जो भी लिखा हुआ चीजें होती है वो यहाँ पर आपका वो आपका पेपर में उग जाता है, ठीक है। इंक मोहर मारने के बाद वो सेम चीजें वो लिखा हुआ आ जाता है, तो वैसे ही ये पैटर्न है। तो अगर आप यहाँ पे कोई भी पैटर्न पहले से ऑलरेडी बना करके रखे हैं और उसको इस प्रकार से आप ऐसे आप क्लिक करेंगे किसी भी जगह पे तो यहाँ पर इस प्रकार से आपका ये पैटर्न बना देगा। अब जैसे कि मैं यहाँ पे कोई और पैटर्न लेता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो कि वही वाला जो पैटर्न है ये स्क्रीन के अंदर जो है कि स्क्रीन पे जैसे ही मैंने मारा तो वो पैटर्न वो हमारा आ चुका है। तो इसका बस सिंपल सा यूज यही था कि एक स्टाम्प के तरीका से आप इसको यूज कर सकते हो। दोस्तों आपको क्लोन स्टाम्प और पैटर्न स्टाम्प के बारे में काफी अच्छे से समझा दिया हूँ कि कैसे आप इसको यूज कर सकते हो और इसको यूज करने के बाद आपको क्या आउटपुट रिजल्ट मिलता है। दोस्तों आई होप कि आपको क्लोन स्टाम्प और पैटर्न स्टाम्प टूल के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों आई होप कि आप ब्रश टूल और क्लोन स्टाम्प टूल को यूज करना सीख चुके होंगे। दोस्तों अगर आप इसी तरीके का कमाल की नई नई वीडियोस को देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही कीजिएगा। दोस्तों मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।